Good morning, everyone. Myself Neha Rawat. So today in the course Fundamentals of Plant Pathology, we will start with the growth regulators in plant diseases. So growth regulators. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे growth regulators होते क्या है. तो जो growth regulator है इसकी क्या होता है, plant growth में regulate करता है small वो कह सकते हैं छोटा सा एक नंबर ऑफ ग्रुप्स होता है जो नेचुरली ऑकरिंग होता है कंपाउंड. और ये एक्ट कैसे करता है, ये एक्ट एज अ हार्मोन के जैसे एक्ट करता है एंड दैट आर जनरली कॉल्ड ग्रोथ रेगुलेटर. तो इसमें क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं जैसे कि ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन है ना, और कुछ दूसरे कंपाउंड्स भी होते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इथिलीन हो गया. तो लेकिन जो इथिलीन है वो और जैसे अदर दूसरे ग्रोथ इनहिबिटर, तो ये ना एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं रेगुलेट करता है जो प्लांट की लाइफ को. तो जो ग्रोथ रेगुलेटर है ये वैरी करता है, ठीक है, ये स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में ये एक दूसरे से वैरी करता है. और ये इसमें क्या होता है कि ये प्लांट टू प्लांट और जो प्लांट टू प्लांट और इवन प्लांट की ग्रोथ के पैटर्न से ये डिफर करता है एक दूसरे को, मतलब डिफरेंट होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ये डिफर करता है. और जो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा होता है, वो स्पेसिफिक होता है ग्रोथ रेगुलेटर का प्लांट में, कॉन्स्टेंट नहीं होता है, ठीक है, स्पेसिफिक ये कॉन्स्टेंट नहीं होता है इसमें. और ये यूजुअली क्या होता है, ये यूजुअली राइज करता है एकदम पीक में, जैसे राइज करेगा ये और फिर इसके बाद क्या कर जाएगा, ये डिक्लाइन कर जाएगा क्विकली. जितने जल्दी राइज करता है पीक पॉइंट तक उतने ही जल्दी ये डिक्लाइन भी कर लेता है. और एज अ रिजल्ट इसमें क्या होता है, जो एक्शन है हार्मोन का वो आपको देखने के लिए मिलता है और इसमें इन्हिबिटरी सिस्टम्स है वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में. जो इन्हिबिटरी सिस्टम्स है हार्मोन्स इन्हिबिटरी सिस्टम्स भी होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं प्लांट पे. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रोथ रेगुलेटर है ना वो एक्ट करता है जैसे कि कुछ केसेस पे, जैसे आप देख सकते हो कि जो प्रमोटिंग जो सिंथेसाइजर्स होते हैं, मतलब जो सिंथेसाइजर होता है जो मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं तो उस पर प्रमोट करता है. और इसका फॉर्मेशन होता है ये ना इस तरीके से, ये क्या करते हैं फॉर्मेशन करता है स्पेसिफिक एंजाइम्स को जो कंट्रोल करता है बायोकेमिस्ट्री में और फिजियोलॉजी जो होती है ना प्लांट्स की उसमें. अब क्या होता है कि जो ये प्लांट पैथोजन है ना ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है क्या चीज प्रोड्यूस करेगा, मतलब ज्यादातर या तो ऐसे ही सेम ग्रोथ रेगुलेटर को जो कि मतलब प्रोड्यूस प्लांट कर रहा है, ठीक है. और वो भी क्या करता है कि एक तरीके से मतलब जैसे जो प्लांट से, अभी मैंने आपको बताया ना कि प्लांट अपने आप को रेगुलेट करने के लिए ग्रोथ रेगुलेटर को प्रोड्यूस करता है, तो इसी हिसाब इसी तरीके से ना जो पैथोजन होता है ना तो पैथोजन भी प्रोड्यूस करता है सेम ग्रोथ रेगुलेटर को, ठीक है, इसी तरीके का ग्रोथ रेगुलेटर को. और इसी तरीके से इसी तरीके का इनहिबिटर वगैरह है जो ग्रोथ रेगुलेटर्स को रेगुलेट करते हैं, जो इनहिबिट करते हैं जो प्लांट प्रोड्यूस करता है, उसी तरीके से प्लांट पैथोजन भी प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है नया और वो भी डिफरेंट ग्रोथ रेगुलेटर और ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा है. तो इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस है ना जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ये स्टिमुलेट करता है किस चीज़ को, ये रिटार्ड कर देते हैं जो प्रोडक्शन है ग्रोथ का उसको, ये एक तरीके से रिटार्ड कर देते हैं और ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं प्लांट की. ये जो ग्रोथ रेगुलेटर्स है पैथोजन प्रोड्यूस कर रहा है तो ये रिटार्ड कर देता है ग्रोथ, इनहिबिट कर देता है प्लांट में. अब क्या होता है ये जो मैकेनिज्म है ना ये इनका जो एक्शन है ये इन्वॉल्व होता है पैथोजन में और ये जो ये मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है ना, ये जो एक्शन ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है तो ये पैथोजन क्या करता है, इम्बैलेंस कर देता है जो हार्मोन सिस्टम है ना प्लांट का, उसको कैसे कर देता है, उसको इम्बैलेंस कर देता है. कि ये ग्रोथ रेगुलेटर ही होते हैं जो हार्मोन्स को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ना, कंट्रोल करते हैं प्लांट्स में. तो ये उसको क्या कर देता है, प्लांट में जाके ये इम्बैलेंस कर देता है ग्रोथ रेगुलेटर्स को. और यहाँ पे क्या होता है
एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है प्लांट की, प्लांट्स में एबनॉर्मल ग्रोथ्स वगैरह आपको दिखने लग जाएगी, या तो प्लांट में ग्रोथ ही नहीं होने लगेगी, या स्टंटिंग ग्रोथ हो जाएगी, या ओवर ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से प्लांट में चीजें होने लग जाती है। तो अब इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि ये ना इनकम्पैटिबल हो जाता है, इनकम्पैटिबल हो जाता है। जैसे कि आप जैसे हेल्दी डेवलपमेंट होना था प्लांट को, तो वो हेल्दी डेवलपमेंट ना होते हुए ये एक तरीके से एबनॉर्मल ग्रोथ शो करने लग जाता है प्लांट। अभी जो पैथोजन है ये डिजीज कॉज करता है बहुत सारा, मतलब ये ना सिक्रीशन करता है ग्रोथ रेगुलेटर को, और ये इम्पेक्ट करता है प्लांट को, और इम्पेक्ट करता है प्लांट को। तो फिर इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्रोथ रेगुलेटर सिस्टम्स है ना वो इन्फेक्ट करता है प्लांट को, और वो बहुत ईजी तरीके से मतलब जो वेराइटीज है डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज में कि एबनॉर्मल ग्रोथ शो करने लग जाता है। और इस रिस्पॉन्स में क्या होता है, स्टंटिंग हो जाती है, मैंने जैसे आपको बताया स्टंटिंग हो जाती है, ओवर ग्रोथ हो जाता है, रोज सेटिंग हो जाती है, एक्सेस अमाउंट में जो रूट ब्रांचेस है ना वो एक्सेसिव आपको देखने मिल जाएंगे, स्टेम का माल फॉर्मेशन होने लग जाएगा, और लीफ में हैप्पी नेस्टी आपको दिखने लग जाएगी, डिफोलिएशन होने लग जाएंगे, और जैसे फ्लावर्स फॉर्मेशन नहीं होते हैं, सप्रेशन हो जाता है बर्ड के ग्रोथ का, फ्रूट में अफेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो ग्रुप है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का, उसमें ये वो करते हैं, इसमें ये अफेक्ट करता है। और जो ज्यादातर जो ये ग्रुप्स होता है ना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, इनका फंक्शन क्या होता है प्लांट पे, कि ये डिजीज डेवलपमेंट को क्या करता है, ये कि इसमें जो डिजीज का जो डेवलपमेंट हो डिजीज में, मतलब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो ग्रोथ रेगुलेटर्स है, ठीक है, ये जो ग्रोथ रेगुलेटर है इनका इम्पॉर्टेंट जो इनकी ग्रुप्स कौन कौन से इनके ग्रुप्स है, और प्लस सेकेंड इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो रेगुलेटर ग्रोथ रेगुलेटर्स है इनका ना बेसिक मतलब जो मेन फंक्शंस क्या है प्लांट के अंदर, इनका मेन फंक्शंस क्या है, और इनका क्या रोल है डिजीज के डेवलपमेंट में, ठीक है। तो अब मैं आपको ये एक एक करके बताऊंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ग्रोथ रेगुलेटर्स के वो देखेंगे, क्या देखेंगे हम इनके टाइप्स देखेंगे। तो ग्रोथ रेगुलेटर्स के दो टाइप होते हैं, एक क्या करता है, एक ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है, कि मतलब ग्रोथ होने देता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, और दूसरा होता है वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, यानी कि ग्रोथ को किसी भी चीज़ में इनहिबिट कर देना, रोक देना, ठीक है, उन सब्सटेंस को, एक एक ज़्यादा प्रमोटिंग कर रहा है सब्सटेंस और एक इनहिबिट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ना ऑक्सिन हो गया, जिबरलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये सारे क्या है, ये ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हैं, मतलब ग्रोथ को बढ़ाने वाले सब्सटेंस है। और वही पे जो डॉर्मिन हो गया, ठीक है, इथिलीन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, ये क्या करते हैं, ये ग्रोथ को ना इनहिबिट करते हैं, ये रोकते हैं, ये सब्सटेंस को इनहिबिट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इम्बैलेंस होता है ना ग्रोथ में, जो मतलब ग्रोथ में ना कभी कभी आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो ये है प्लांट है, तो इसकी एक्सेसिव ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है, तो एक्सेसिव ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पे क्या होता है, जो इम्बैलेंस होता है ना ग्रोथ प्रमोटिंग और ग्रोथ इनहिबिटिंग सब्सटेंस के, कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लग गई है, तो बहुत ज़्यादा अगर ग्रोथ होने लग गई है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। तो जो हाइपरट्रॉफी है ना, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में क्या होता है, सेल ना इंक्रीज होने लग जाती है, ठीक है, जो सेल का जो साइज है ना, जो सेल का साइज है वो इंक्रीज होने लग जाता है, उसको बोलते हैं हम हाइपरट्रॉफी। और एक और आता है हाइपरप्लेशिया। तो हाइपरप्लेशिया में क्या होता है कि वहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट में मतलब वहाँ पे ना मल्टीप्लिकेशन होने लग जाता है, इसका सेल का, दोनों ही चीजें सेम है, दोनों ही चीजों में ग्रोथ हो रही है, मतलब तो बहुत ज्यादा साइज ओवर ग्रोथ जिसको कहते हैं, ओवर ग्रोथ हो रहा है, दोनों ही केसेस में ओवर ग्रोथ हो रहा है। देखिए जो हाइपरट्रॉफी है, ठीक है, हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, सेल जो होता है ना, एक सेल जो ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म बोलिए, जो प्लांट होता है ना प्लांट, तो प्लांट का जो सेल है ना वो एक सेल, जैसे एक सेल है छोटा सा,
उसकी नॉर्मल साइज से एक सेल की वो सेल इंक्रीज होने लग जाएगा, वो बड़ा सा होने लग जाएगा, ठीक है। तो वो बड़ा होगा तो अल्टीमेटली साइज इंक्रीज हो रही है तो ओवर ग्रोथ तो हो ही रहा है ना। और लेकिन हाइपरप्लेशिया में क्या होता है कि उसमें भी हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा, ठीक है, और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। तो वहां पे क्या होता है, जो हाइपरप्लेशिया होता है तो वहां पे क्या होता है, जो ऐसा सेल है ना जो एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, एक सेल है, तो वो जो नॉर्मल सेल है तो वहां पे ही आपको 10-12 सेल और एक्स्ट्रा भी कर चाहिए, 10-12 सेल। तो वहां पे एक ही सेल साइज बड़ा कर रहा है, वहां पे बहुत सारे सेल मिलकर वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत सारे सेल्स, मतलब रिप्रोडक्शन उनका बहुत जल्दी फास्ट हो रहा है, बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन हो रहा है सेल्स का, रिप्रोड्यूस हो रहे सेल्स, और प्रोड्यूस हो रहे सेल्स, तो वहां पे भी ओवरग्रोथ हो रही है साइज में, लेकिन वहां पे सेल्स आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे सिंगल सेल है, सिंगल सेल ही अपना साइज इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी, जहाँ पे एक सिंगल सेल अपना साइज बहुत इंक्रीज कर रहा है, ओवरग्रोथ हो रही है। वहां पे होता है हाइपरप्लेशिया, जहाँ पे सेल्स जो है क्या होता है, बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस होता है और जो साइज है वो ओवरग्रोथ होती है, ठीक है, सेल की साइज नहीं इंक्रीज हो रही है, सेल का रिप्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और ओवरऑल जो है ऑर्गन है वो ओवरग्रोथ हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होती है एट्रोट्रॉफी, एट्रोट्रॉफी में क्या होता है कि एट्रोफी में क्या होता है कि जो डिक्रीज हो जाती है सेल की साइज, ठीक है, मैंने आपको बताया कि क्या होता है, तो मतलब इंबैलेंस होने लग जाता है ग्रोथ कम होती है, या तो बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लग जाएगी तो क्या होगा हाइपरट्रॉफी, और जो ग्रोथ इनहिबिट होता है तो अगर इनहिबिट हो रहा है तो क्या हो रहा है एट्रोफी, यानी कि ग्रोथ को कम कर दे रहा है, तो वो डिक्रीज कर दे रहा है। यहाँ पे जो सेल का साइज है ना, तो नॉर्मल साइज है, नॉर्मल साइज से भी उस सेल के साइज को और ज्यादा डिक्रीज कर दे रहा है, तो उसको हम और ज्यादा डिक्रीज करें तो उसको एट्रोफी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी और हाइपरप्लेशिया में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये तीनों का डिफरेंस, हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी और हाइपरप्लेशिया में डिफरेंस। अब क्या होता है कि ये जो सिम्टम्स है ना, सिम्टम्स आपको कैसे दिखने लग जाएंगे, अब मैंने आपको बताया था जैसे ओवर ग्रोथ होने लग जाता है ना, तो जैसे ओवर ग्रोथ होने लग जाता है कि ट्यूमर है, ट्यूमर कैसे क्यों होता है, क्योंकि जो सेल है ना बहुत सारे सेल्स मतलब काफी इकट्ठा हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस बहुत सारा मतलब रिप्रोडक्शन होने लग जाता है, सेल का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होने लग जाता है, तो जब सेल का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होने लग जाता है तो आपको एक ट्यूमर टाइप का फॉर्मेशन दिखेगा, सिम्टम्स दिखेगा, फिर गॉल करने लग जाते हैं, गॉल आप कहाँ देखेंगे, स्टेम हो गया, रूट हो गया, वहां पे आपको ना सिर्फ गॉल सा बना हुआ दिखने लग जाएगा, नॉट्स हो गए, नॉट्स भी आपको रूट में दिखने लग जाएंगे, जैसे थैलेडोगाई नहीं है तो थैलेडोगाई भी इजीली तरीके से नॉट्स बनाता है, ठीक है, विचेस ब्लूम आपको दिखने लग जाएंगे, जो सेल्स का ही फॉर्मेशन मतलब ओवरग्रोथ का ही ये एक वो है, और स्टंटिंग होने लग जाएगी, मतलब जो ये है जो प्लांट है तो प्लांट में आपको क्या होने लग जाएगा, इजी तरीके से आपको प्लांट में ना स्टंटिंग होने लग जाएगी, मतलब जो प्लांट है उसमें जो ग्रोथ है ना वो आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी, प्लांट में आपको ग्रोथ ही नहीं दिखेगी, प्लांट की ग्रोथ नहीं दिखेगी, आपको प्लांट बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, उसको हम बोलते हैं स्टंटिंग, ठीक है। और फिर एक और चीज होती है वहाँ पे क्या होता है कि जो एक्सेसिव रूट्स और ब्रांचेस, मतलब जैसे नॉर्मल अगर जो रूट प्रोड्यूस होना था तो वो नॉर्मल तरीके से जो रूट्स है वो प्रोड्यूस ही होने लग जाता है, उसमें आपको बहुत सारे मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में आपको जो रूट्स है और ब्रांचेस है ना वो बहुत सारा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्लस साथ में क्या होता है डिफोलिएशन, अब डिफोलिएशन का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो उसकी लीव्स है ना वो लीव्स वहाँ पे काफ़ी डिफोलिएशन मतलब लीव्स झड़ने लग जाती है, ठीक है, डिफोलिएट हो जाती है, गिरने लग जाती है, उसको हम बोलते हैं डिफोलिएशन। और यहाँ पे डिफोलिएशन हुआ और फिर साथ ही साथ क्या होता है कि सप्रेशन हो जाता है, किसका, जो बर्ड होते हैं ना, जो न्यू बर्ड फॉर्मेशन होते हैं प्लांट में, तो बर्ड की जो ग्रोथ में आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा कि ग्रोथ में ना सप्रेशन होने लग गया है, डिक्रीज होने लग गई है ग्रोथ बर्ड के, और इस तरीके से मतलब प्लांट में ना अफेक्ट करता है,
और जो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो यहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली जैसे ना 12M क्लब होता है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था क्लब रूट ऑफ कैबेज के बारे में, तो जो क्लब रूट ऑफ कैबेज है ना, वो भी एक तरीके का इसी टाइप से ना सिम्टम शो करता है, जो क्लब रूट ऑफ कैबेज है। और जो प्लांट का जो ये है, जो टिश्यूज है ना, जब मैंने आपको बताया कि ओवरग्रोथ करता है, तो वो क्या करता है, एबनॉर्मल वहां पे ना सेल, सॉरी, एबनॉर्मल सेल्स है ना, वो कैसे होने लग जाते हैं, वो एनलार्ज होने लग जाते हैं, बड़े होने लग जाते हैं। और टिपिकली क्यों, क्योंकि वहां पे पैथोलॉजिकल एनलार्जमेंट होने लग जाते हैं इंडिविजुअल एक जो सेल है ना उसका, टिश्यू के ऑर्गन्स में, उसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। और वही जो टिश्यू में ओवरग्रोथ होता है गॉल्स में, ट्यूमर्स में, ठीक है, और इन्फेक्शन इंड्यूस होता है, एक्सेसिव सेल्स वगैरह होने लग जाते हैं, उसको हाइपर प्लेशिया बोलते हैं, PLASIA, ठीक है, प्लेशिया, हाइपर प्लेशिया होने लग जाता है। और जो जो ये विचेस ब्रूम है ना, जो मैंने आपको बताया विचेस ब्रूम, तो इसमें क्या होता है कि विचेस ब्रूम में ना, इसमें भी जो साइज वगैरह है, तो वो आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगी, जो मतलब साइज ही, मतलब ये जो पूरा होल ऑर्गन है ना, वो इंक्रीज होते हुए दिखेगा। और वहां पे क्या होता है, विचेस ब्रूम में क्या होता है, जो सेल है ना, सेल की साइज, जो सेल में सेल का मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा होता है, इतना याद रखना कि विचेस ब्रूम में सेल का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होता है, ना कि जो साइज है, साइज इंक्रीज नहीं होगा, सेल का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है, सेल का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो जब सेल का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होगा, तो वहां पे क्या होगा, हाइपरप्लेशिया। तो विचेस ब्लूम इज दी विचेस ब्लूम इज द सिम्टम। एंड ये ना किस प्रोसेस के अंदर आता है, ये हाइपरप्लेशिया के अंदर आता है विचेस ब्लूम, ठीक है। अब क्या होता है कि जो अंडर डेवलपमेंट जो प्लांट टिश्यूज ऑर्गन्स होते हैं ना, तो जिनका क्या होता है, जिनका ना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और कैसे होते हैं वो ना, स्मॉल होते हैं, ठीक है, स्मॉल होते हैं साइज में, नॉर्मल सेल्स के साइज से भी कम होते हैं, स्टंटिंग हो जाती है उनमें, तो वो हाइपोप्लेशिया है। हाइपो का मतलब क्या होता है कि साइज डिक्रीज होना, हाइपो सेल का साइज डिक्रीज होना, ठीक है। जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें जो सेल का नंबर है, एक्चुअल जो नंबर है, प्रोडक्शन है, उसमें डिक्रीज, सेल के मतलब नॉर्मल आपको सेल मिल रहा है, लेकिन जो सेल का जो प्रोडक्शन है ना, उसमें डिक्रीज हो रहा है, सेल का प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, इसी वजह से क्या होती है, स्टंटिंग होती है। स्टंटिंग का जो मेन कारण है, वहां पे क्या होता है कि अंडर डेवलपमेंट होता है प्लांट टिश्यू का, और प्लांट टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, और वहां पे क्या होता है, प्रोडक्शन, और जो प्रोडक्शन होता है कम सेल्स का, नॉर्मल है सेल, लेकिन उनका प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, उसको हम स्टंटिंग बोलते हैं। और ये प्रोसेस कौन किसके अंदर आती है, ये हाइपोप्लेशिया में आती है, HYPOPLASIA, हाइपोप्लेशिया के अंडर में आती है, ठीक है। तो इसमें आपको फिर इस तरीके से आपको फॉर्मेशन आपको देखने के लिए, मतलब इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं आगे, मैं आपको अब इसी तरीके से और आगे एग्जाम्पल्स बताती रहूंगी। तो जो नेक्स्ट है, अब है कि किस प्रकार से जो ये डिजीज वगैरह होती है ना, तो जो डिजीज का किस प्रकार से डिजीज इंड्यूस हो रही है, तो जैसे यहाँ पे क्या होता है कि ना इंक्रीज होता है किसमें, जैसे इंडोल जो 3-एसिटिक एसिड है, जिसको हम IAA बोलते हैं, तो वो क्या करता है, वो हाइपरट्रॉफी करता है। मैंने आपको बताया हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है कि सेल का साइज इंक्रीज कर रहा है, तो सेल का साइज इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट है, अब सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, यानी कि टिश्यू का और जो ऑर्गन का ग्रोथ है ना, वो आपको ज्यादा दिखेगा। तो इंडोल 3-एसिटिक एसिड क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, तो उसको हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। अगर वो डिक्रीज कर रहा है, कम कर रहा है, तो उसको एट्रॉफी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर इंक्रीज कर रहा है इंडोल 3-एसिटिक एसिड, तो वो किसकी वजह से होता है, इनहिबिशन करता है, किसमें, इंडोल 3-एसिटिक एसिड ये जो ऑक्सीडेज है ना, वहाँ पे आपको इनहिबिशन होते हुए दिखेगा। अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल राल्सोनिया सोलेनस सीरम, तो राल्सोनिया सोलेनस सीरम, जिसको हम सुडोमोनास सोलेनस सीरम भी बोलते हैं, तो ये ना कॉजल एजेंट है, किसका है, सोलेनेशियस प्लांट का, ठीक
अब सोलेनेशियस प्लांट्स कौन से होते हैं? सोलेनेशियस प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर जैसे कि टमाटो हो गया, पटेटो हो गया, चिली हो गया, ब्रिंजल हो गया, तो ये जो क्रॉप्स है ना ये सोलेनेशियस प्लांट के अंदर आती है। तो इनमें क्या होता है, ये इसका मेन एजेंट है, विल्ट कॉज करता है, ये विल्टिंग कर देता है प्लांट पे। अब अगर विल्टिंग होने लग गया तो विल्टिंग का मतलब क्या होता है, विल्टिंग का मतलब होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं ना जाइलम और फाइलम में, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पे अफेक्ट होता है, ठीक है। रूट से आपको ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में नहीं होते हुए देखेगा, न्यूट्रिएंट, वाटर कंटेंट है ना, तो इसे इसे बोलते हैं विल्ट। और ये क्या करता है, ये जो सोलेनेशियस क्रॉप में इंड्यूस करता है 100-fold इंक्रीज करता है, ये किसको इंक्रीज करेगा, इंडोल 3 एसिटिक एसिड के लेवल को, और किसमें, डिजीज, अगर कोई प्लांट डिजीज प्लांट है तो उसमें इंडोल 3 एसिटिक एसिड का जो इंक्रीमेंट है ना वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। अब ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है प्लास्टिसिटी, जो सेल वॉल की जो ना प्लास्टिसिटी होती है सेल की। मैंने आपको लास्ट टाइम जब मैंने आपको मॉर्फोलॉजी बताया था तो उसमें आपको बताया था ना सेल वॉल की मॉर्फोलॉजी में, ये इंक्रीज करता है इसमें प्लास्टिसिटी। और इसमें क्या होता है, हाई, इसमें भी हाई रिजल्ट होता है, इसका मिलेगा आपको इंडोल 3 एसिटिक एसिड का लेवल इसमें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब क्या करता है ये कि अब जब इंक्रीज को कर दिया इसने इंडोल 3 एसिटिक एसिड का जो लेवल है ना, इसे इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज करने के बाद क्या करता है ये रेंडर करता है, किसको करता है, इट रेंडरिंग दी पेक्टिन, सेलुलोज और प्रोटीन कंपोनेंट है ना जो सेल वॉल का, उनको वो क्या करता है, उनको वो रेंडरिंग करने लग जाता है। और जब अब क्या होता है कि अब ये रेंडर करने लग गया, तो रेंडर करने लग गया तो इसमें क्या होता है, पेक्टिन, सेलुलोज और प्रोटीन कंपोनेंट को करने लग गया जो सेल वॉल के है। और फिर इससे क्या होता है कि ज़्यादा एसिबल होने लग जाता है पैथोजन डिग्रेडेशन के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा एसिबल होने लग जाता है पैथोजन डिग्रेडेशन करने में। और क्या होता है कि अगर इंक्रीज हो रहा है इंडोल 3 एसिटिक एसिड का लेवल, तो ये कॉज इसमें क्या होता है कि इनहिबिट करता है लिग्निफिकेशन जो होता है ना टिश्यू का, लिग्निफिकेशन हो जाता है जो टिश्यू में, तो उसमें ये क्या करता है, इनहिबिट करने लग जाता है टिश्यू में, ठीक है। अब जब ये इंक्रीज हो, और भी चीज़ें हैं कि अगर ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, अगर इसका लेवल ना इंक्रीज हो रहा है तो हमें ना प्लांट जो है वो डिफरेंट जो पैथोजन से उससे इन्फेक्ट होता है। एक चीज़ याद रखना, जब भी प्लांट में जो ग्रोथ रेगुलेटर्स की जो है ना, अगर इनमें, ठीक है, प्लांट में ये ग्रोथ रेगुलेटर जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है जिसे हम IAA बोलते हैं, अगर इसका जो लेवल है प्लांट में अगर इंक्रीज हुआ, ठीक है, अगर ज़्यादा इंक्रीज हुआ तो प्लांट इन्फेक्ट हो जाता है। जो अभी मैं आपको पैथोजन बताऊंगी, इन सारे पैथोजन से आपको प्लांट इन्फेक्टेड मिलेगा। जैसे फर्स्ट है फाइटोथोरा इन्फेस्टांस, तो फाइटोथोरा इन्फेस्टांस ब्लेड ब्लाइट और पोटैटो है, ये प्लांट को अफेक्ट करती है। कब ये प्लांट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर पाती है, जब प्लांट में इंडोल 3 एसिटिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा। वैसे ही स्टिलागोमेटिस जो कि मेज में स्मॉट है, मेज में जो मक्का है, मक्का में स्मॉट डिजीज है, स्टिलागोमेटिस ये कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है प्लाज्मोडिफोरा ब्रासिकी, अभी मैंने आपको बताया था क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर है ना, कि जो क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर है तो ये कॉज करता है। और ये जो क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर है इसमें क्या होता है, इसमें ना जो चलन हो जाता है उसका जो क्लब है ना, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है उसमें उसका क्या हो जाता है, उसका स्वेलन हो जाता है। और ये कैसा, ये कि ना प्राइमरी सिम्टम है पैथोजन का, आपको इजीली देखने के लिए मिलेगा, प्राइमरी, इसको प्राइमरी सिम्टम बोलते हैं पैथोजन के, और ये आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा कि इसमें जो कैबेज वगैरह है ना, क्रूसीफर्स जो क्रॉप्स है ना, तो उसमें आपको ये इजीली देखने के लिए मिलेगा। और इसमें क्या होता है कि प्लाज्मोडिफोरा ब्रासिकी क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर इंडोल 3 एसिटिक एसिड का लेवल इसमें इंक्रीज होगा, तो ये डिजीज आपको इजीली ये जो पैथोजन है ये अफेक्ट करेगा प्लांट को। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, ये जो डाउनी मिल्ड्यू है सॉर्गम का, ठीक है। एग्रोबैक्टेरियम टुम्बिफेशियस, क्राउन गॉल ऑफ एप्पल है, क्राउन गॉल ऑफ एप्पल में ये कॉज करता है।
अब ये एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो पाउडर मिल्ड्यू है और जो डाउनी मिल्ड्यू है, जो रस्ट है, ये सब क्या करते हैं, ये सब ना जो ये जो स्टोमेटा होता है ना, स्टोमेटा स्टोमेटा को ये एक्चुअली ये सब क्या करते हैं, ये रूट ये सब ना प्लांट के सरफेस को कवर करते हैं, ठीक है। ये पाउडर मिल्ड्यू डाउनी मिल्ड्यू क्या करता है, ये प्लांट के सरफेस को कवर करता है, स्टोमेटा से अंदर पेनिट्रेट ये नहीं करता है, ठीक है, प्लांट के सरफेस को ये कवर करता है। अब इसमें एग्रोबैक्टीरियल कॉन्फिगरेशन क्राउन गॉल ऑफ एप्पल में कॉज करता है, और मेलेडोगाइनी रूट नॉट निमेटोड है, ठीक है, रूट नॉट निमेटोड में मेलेडोगाइनी जो है वो अफेक्ट करता है। अब हम देखेंगे ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस में आपको बताया था ऑक्सिन हो गया, जिबरलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये कैसे हो गए, ग्रोथ को प्रमोट करने वाले सब्सटेंस। तो जो ऑक्सिन है ना, ये नेचुरली ऑकर होते हैं प्लांट में, किस फॉर्म में, इंडोल 3 एसिटिक एसिड के फॉर्म में, ये आपको नेचुरली प्लांट में दिखेंगे, ठीक है, जिसे IAA बोला जाता है। और ये ना ये क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है कंटिन्यूसली, ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करता है ग्रोइंग प्लांट में, ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है ग्रोइंग प्लांट में, प्लांट के टिश्यू में, और ग्रोइंग प्लांट के टिश्यू में होता है। और जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड है ना, ये मूव करता है रैपिडली, कहाँ से, एक जो ना यंग ग्रीन टिश्यू वगैरह है ना, वहां से ये क्या करता है, ये मूव करेगा, और ये कहाँ मूव करेगा, ये मूव करता है जो ओल्ड वगैरह है ना, जो ओल्ड प्लांट्स वगैरह है, तो वहां पे आपको ये इजीली क्या करते हुए दिखेगा, कि इजीली आपको वहां पे मूव करते हुए दिखेंगे, ठीक है। अब ये इजीली ये तो मूव हो गया एक इसमें से, कहाँ से मूव हुआ, ये जो यंग ग्रीन टिश्यूज है ना, वहां से ओल्डर टिश्यूज में आपको मूव करते हुए दिखेंगे। अब ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं कॉन्स्टेंटली, ये एंजाइम जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड है ना, ऑक्सीडेज, इनसे ये डिस्ट्रॉय होता रहता है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली। और जैसे कि ना फिर इससे क्या हो जाता है, ये हमें पता, ये चीज हमें बताता है कि लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन भी आपको मिलेगा, ठीक है, इससे लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, जब जब से देखो ऑक्सीजन क्या होता है, ये कंटिन्यूअसली बनता रहता है ना प्लांट में। अभी कंटिन्यूअसली अगर बनता रहेगा प्लांट में, तो प्लांट तो इजीली अफेक्टेड हो जाएगा डिजीज से, पैथोजेंस इजीली कॉज करने लग जाएगा डिजीज से, तो इनको किसी ना किसी को तो इसको डिस्ट्रॉय करना ही होगा। तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एंजाइम होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड ऑक्सीडेज, ये इनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। अब जो इफेक्ट है ना जो इंडोल एसिटिक एसिड का प्लांट में, तो वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा न्यूमरस इसका इफेक्ट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, सेल इलॉन्गेशन, सेल डिफरेंशिएशन के ना ये काम आता है, सेल इलॉन्गेशन होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है IAA का इसमें सेल के मेम्ब्रेन में, और ये ना अफेक्ट करता है जो परमेबिलिटी है ना मेम्ब्रेन की, उस पे ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये कंपाउंड कॉज करता है ना, जनरल इंक्रीज होता है यहाँ पे रेस्पिरेशन का प्लांट के टिश्यूज में, और प्रमोट करता है, सिंथेसाइज करता है किसको, जो मैसेंजर RNA है ना उसको ये प्रमोट करता है, मैसेंजर RNA को। और यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटीन है, एंजाइम्स है, एज वेल एज जो स्ट्रक्चर है ना प्रोटीन का, तो वहां पे आपको उस स्ट्रक्चर में आपको इफेक्ट दिखने लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये कंटिन्यूअसली ना प्रोड्यूस होता है यंग मेरिस्मेटिक जो टिश्यूज है उनमें, ये आपको कंटिन्यूअसली दिखेगा। फिर क्या होता है कि इसका इसमें क्या होता है कि जो इंक्रीज करता है ये IAA का जो लेवल है ना वो इंक्रीज होता है, और यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होने के बाद ये बहुत सारे जो प्लांट्स है, तो बहुत सारे प्लांट्स में ये इन्फेक्ट होता है किससे, फंजाई से, फंजाई बैक्टीरिया वायरसेस और मॉलिक्यूल्स होते हैं ना नेमाटोड्स, इन सबसे ये क्या होता है, इन सबसे अफेक्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो पैथोजेंस है ना, ये आपको दिखेगा कि जो लोअर है ऑक्सीजन का लेवल हो होस्ट वगैरह में, तो ये आपको कम से कम इसमें लोअर कर देता है ये ऑक्सीजन के लेवल्स को होस्ट में। और इससे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है जैसे कि बेसिडियोमाइसिटीज है या एक्सो बेसिडियम्स है,
और जो एजेला लीव्स है, तो इसमें फ्लावर कॉल फॉर्मेशन होने लग जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो ज़्यादातर किससे होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन वो रिड्यूस होता है एंजाइम को, एंजाइम में। और फॉर एग्जाम्पल जैसे IAA है वो ऑक्सीडेज, ठीक है, तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रिड्यूस होने लग जाएगा। इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है इसका कि ये रेगुलेट करता है सेल के एलोंगेशन को, डिफ्रेंशिएशन करता है, सेल का एलोंगेशन करता है, डिफ्रेंशिएशन करता है, अफेक्ट करता है परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन को, इंक्रीज करेगा रेस्पिरेशन को, और प्रमोट किसको करता है, सिंथेसाइज करता है किसको, mRNA, जो mRNA मैसेंजर RNA इसको सिंथेसाइज करता है, ठीक है। जैसे प्रोटोजोआ कॉजिंग करता है क्लब रूट ऑफ कैबेज को, मैंने प्लाज्मोडिफारा ब्रासी की मैंने आपको बताया, बैक्टीरियम, जो बैक्टीरियम है एग्रो बैक्टीरियम जो फेशियस है जो कॉज करता है क्राउन वॉल कॉज करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो लीफ बॉल है ना, एक बार जब ये लीफ बॉल होने लग जाती है स्वीट पी में और कुछ अदर प्लांट्स में, तो ये फंजाई है ना ये कॉज करता है क्राउन स्मट वगैरह, स्टिलागो मेडिस वगैरह मैंने आपको बताया, इस तरीके से ये फॉर्मेशन होने लग जाता है। ये सिर्फ इंड्यूस ही नहीं करता है, इंक्रीज ही नहीं करता है IAA का लेवल, ठीक है, ये इसमें इतनी लेकिन ये ना इंड्यूस ही नहीं करता है होस्ट में, बट ऑल्सो हैव दी इसमें जैसे हम बोल सकते हैं कैपेबल टू प्रोड्यूस IAA इन देमसेल्फ ऑल्सो, ओके। सो कुछ डिजीज में क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है IAA, ठीक है, IAA कुछ डिजीज में इंक्रीज हो जाता है, और कुछ में क्या होता है IAA क्या होता है इनिबेट होता है, किससे, IAA ऑक्सीडेज से इनिबेट होने लग जाता है। अब जो जैसे प्रोडक्शन है, रोल है जो ऑक्सीजन का प्लांट पे, ये हम मतलब ये आपको ना जैसे बैक्टीरियल डिजीज है प्लांट में उसमें से आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे राल्स्टोनिया सोलेनस सीरम है जिससे बैक्टीरियल बिल्ट होता है सोलेनसिस प्लांट पे। तो मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा मतलब 100-fold इंक्रीज करता है IAA लेवल पर डिजीज में हेल्दी प्लांट्स के कंपेयर में, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो IAA है ना वो कंट्रीब्यूट करता है कि वो डेवलपमेंट करवाता है विल्ट का प्लांट में, ठीक है, ये डेवलपमेंट करवाता है विल्ट का प्लांट में, लेकिन जो अभी तक एक तरीके से क्लियर नहीं है कि किस तरीके से करवाता है ये। और ये साथ ही साथ उसकी प्लास्टिसिटी जो सेल्स की है उसको भी ये इंक्रीज करता है, प्लास्टिसिटी जो सेल की होती है ना उसको भी ये इंक्रीज करता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये सीक्रेट करता है एंजाइम्स को, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जो क्राउन बॉल है, ठीक है, जो क्राउन बॉल है तो वहाँ पे क्या होता है क्राउन बॉल जो बैक्टीरिया एग्रो बैक्टीरियम प्रोपिफेशियस, तो इसमें क्या होता है कि 100 जो प्लांट स्पीसीज है ना बॉल्स के ट्यूमर डेवलपमेंट और रूट स्टेम्स वगैरह लीव्स वगैरह में आपको टेंसिल्स पेटियोल्स और होस्ट प्लांट इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो क्राउन बॉल जो ट्यूमर का है वो डेवलप होता है तब जो क्राउन बॉल बैक्टीरिया एंटर करता है वुंड से एक ससेप्टेबल होस्ट में, ठीक है, वुंड से आप जा रहा है, वुंड हुआ है वहाँ पे, चाहे वो वुंड वेक्टर ने किया हो, चाहे वो प्लांट में मतलब टूल्स वगैरह के थ्रू वुंड हुआ हो, इंजरी हुई हो ना, तो वहाँ से वो क्या करता है ससेप्टेबल होस्ट में एंटर करता है, इम्यूनिटी करेगा आफ्टर वुंड के बाद। यहाँ पे क्या होता है सेल अराउंड जो वुंड के आसपास के जो सेल होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे फिनोलिक कंपाउंड्स को जो एक्टिवेट करता है, और क्या करता है एक्टिवेट होने के बाद वो डिवाइड करने लग जाता है। तो इस प्रकार से जो एग्रोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है वो सेल में ना अटैच होता है, ठीक है, सेल वॉल पे, ठीक है, और फिर अटैच होने के बाद ये रिस्पॉन्स करते हैं फिनोलिक कंपाउंड को, और वो फिनोलिक कंपाउंड में एक रिस्पॉन्स करता है, और इस प्रकार वो एक्टिवेट करता है। और इस तरीके से इसमें प्रोसेस जो DNA का है, मैं हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन होने लग जाता है DNA का, तो DNA का और TI प्लाज्मिड का जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है ना, इस तरीके से इसका बनना चालू हो जाता है। और इसमें क्या होता है इंटेंस जो सेल है तो उसमें डिविजन होने लग इंटेंस सेल में डिविजन होता है, और वो सेकेंड और थर्ड जो डेज है जब वुंड फॉर्मेशन होने लग जाता है तो वुंडिंग होने लग जाती है। तो आफ्टर डेट क्या होता है कि जो प्लांट सेल है वो उसमें
मतलब एक तरीके का आप कह सकते हो कि इसमें एक रिसेप्टिव जो पीसेस है जो बैक्टीरिया के, जैसे प्लाज्मिड जो डीएनए है, तो इनका क्या होता है, इनमें फॉर्मेशन होने लग जाती है, पीसेस में फॉर्म होने लग जाते हैं। और यहाँ पे प्रोटीन जो कोड है जी, जो टी जो टी आई प्लाज्मिड डीएनए जो विरुलेंस है वो ऑकर होता है, और ये कट करता है ये सिंगल स्टैंडर्ड टी डीएनए को। और यहाँ पे टी आई प्लाज्मिड है वो क्या होता है, वो ट्रांसफर होता है प्लांट सेल न्यूक्लियस से और टी डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। फिर इस प्रकार से क्या होता है कि जो जीन है वो एक्सप्रेस करता है और लीड्स करता है सिंथेसाइजेस करता है, किस चीज का, ऑक्सीजन और साइटोकाइनेसिस का, और ट्रांसफॉर्म होता है नॉर्मल प्लांट सेल का इनटू ट्यूमर सेल में इनका, ठीक है। नॉर्मल प्लांट सेल से ट्यूमर प्लांट सेल में आपको इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्म दिखेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्यूमर सेल है ना वो सब्सिक्वेंटली क्या होने लग जाता है, ये ग्रो होने लग जाता है। अब जब ये ग्रो होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रो होने के बाद क्या होगा, ये डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने से ये इंडिपेंडेंटली डिवाइड होने लग जाता है बैक्टीरिया में। और बैक्टीरिया में अब ये डिवाइड हो गया, तो डिवाइड होने के बाद फिर क्या करता है, ये ऑर्गेनाइज करता है रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। रेट ऑफ ग्रोथ होने लग जाती है, ग्रोथ की रेट रेट ऑफ ग्रोथ होने लग जाता है, डिविजन होने लग जाता है, और बहुत टाइम तक मतलब लॉन्गर टाइम तक आपको यहाँ पे कंट्रोल दिखने लग जाएगा होस्ट प्लांट में, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड जो टी आई डीएनए है ना वो कंटेन करता है जीन कोड को, ठीक है। अब जीन कोड को कंटेन करेगा और सब्सिक्वेंटली उसको हम ओपिंग बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो प्लांट सेल है प्लांट सेल का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और इस प्रकार से जो टी आई प्लाज्मिड है जो इस प्रकार से आपको नए नए ग्रोथ आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब क्या होता है कि जो तो अब क्या होता है कि जो ना इसमें मैंने आपको ये भी बताया था, इसमें रूट नॉट डिजीज भी ऑकर होती है। तो जो रूट नॉट डिजीज है ना इसमें क्या होता है, ये हाइपरप्लेशिया डिजीज होती है जिसमें सेल्स का जो सेल है उसमें सेल का प्रोडक्शन ज्यादा होने लग जाता है बैक्टीरियम, जैसे सूडोमोनास वगैरह हो गया पैथोजन। तो इसमें क्या होता है, ये इंफेक्ट करता है प्लांट को और ये प्रोड्यूस करता है रूट नॉट में क्या करता है, गॉल को प्रोड्यूस करता है। अब गॉल प्रोड्यूस हुआ तो गॉल प्रोड्यूस होने में क्या होता है कि बहुत ज्यादा सीवियर होता है ये सिम्टम्स, ठीक है। आईए है ना, जो इसका आईए का जो स्ट्रेन है ना वो प्रोड्यूस करता है बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम्स को प्रोड्यूस करता है। और ये इनका जो स्ट्रेन होता है ना वो आईए को प्रोड्यूस नहीं करता है, वो फेल हो जाता है आईए को प्रोड्यूस करने में, और ये इंड्यूस मतलब फेल हो जाता है वो एक तरीके से कि वो इंड्यूस नहीं कर पाता है फॉर्मेशन ऑफ गॉल को। अब ये बैक्टीरिया जो जीन है ना आईए प्रोडक्शन में, ये क्या करता है, प्लाज्मिड को ये कैरी करता है बैक्टीरिया में। और यहाँ से क्या होता है कि जो आईए है ना वो सिंथेसाइज होता है और वो कैरी आउट होता है बाय जो डिफरेंट डिफरेंट जीन्स है क्रोमोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया के, उस पे ये कैरी आउट करता है। और जो लीफ गॉल है, लीफ में जब गॉल आती है ना तो लीफ गॉल में क्या होता है कि लीफ गॉल भी बैक्टीरिया के थ्रू होता है, तो लीफ गॉल में कंटिन्यूसली ना इसे प्रोड्यूस होने लग जाता है, जो लीफ के लीफ में जो सेंटर ऑफ द शूट्स है ना वहाँ पे ओवर प्रोडक्शन होने लग जाता है, शूट ग्रोथ होने लग जाता है। और यहाँ पे बैक्टीरिया मोस्टली सरफेस जो प्लांट का ना जो सरफेस होता है, तो प्लांट के सरफेस पे क्या करता है ये प्लांट टिश्यूज में ये एग्जिस्ट करता है और ये ग्रो करता है इंटरनली भी, ये ना एक तरीके से ग्रो करता है प्लांट में। और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन और जो ये अदर कुछ हार्मोन्स है ना सब्सटेंस, ये प्रोड्यूस होने लग जाते हैं बैक्टीरिया के कल्चर में और इन्फेक्टेड करते हैं टिश्यू को। और यहाँ पे जो सिग्नल्स होता है ना बैक्टीरिया का वो इन्वॉल्व होता है एक डेवलपमेंट करने के लिए, किस चीज का, सिम्टम्स के डेवलपमेंट के, इनिशिएशन के, और नया सेल डिविजन के फॉर्मेशन करता है शूट पेरिस्टेमेटिक जो है ना पेरिस्टेम टिश्यूज में ऑलरेडी जो डिफ्रेंशिएट हो रहा है वहाँ पे। अब बैक्टीरिया भी यहाँ पे सिग्नल्स करता है, ये ओरिजिनेट होता है जीन में। अब और लोकेट कहाँ पे करता है, जो लीनियर प्लाज्मिड है ना वहाँ पे ये लोकेट करेगा। तो इस तरीके से जो ऑक्सिन था, तो ऑक्सिन इस तरीके से वर्क होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे जिबरलिन। तो जिबरलिन क्या होता है कि जिबरलिन ना नॉर्मली हमें ना ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं
जो ग्रीन प्लांट्स है ना उसमें आपको दिखेगा नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ग्रीन प्लांट में, और ये बहुत सारे ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रोड्यूस करते हैं। और जो जिबरलिन है ना वो पहली बार आइसोलेट किया गया था फंगस, कौन से फंगस से, जिब्रेला, जो जिब्रेला फंगस है ना उससे जिबरलिन पहली बार जिब्रेला फ्यूजिकोराई इसमें से आइसोलेट किया गया था सबसे पहली बार। और इस ये ना जो फुलिश एक तरीके से कहते हैं जो फुलिश जो सिडलिंग डिजीज है ना राइस की, जिसमें क्या होता है बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लग जाती है ना, फुलिश जो सिडलिंग्स है राइस की ये आपको इसमें दिखने के लिए मिलेगा। और जो इसमें ना सिडलिंग्स है राइस की इसको हम ना इसको बकाने डिजीज भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस डिजीज में क्या होता है, ये ना इन्फेक्ट करता है प्लांट, जो राइस प्लांट है ना, तो ये जो राइस प्लांट में क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है राइस के प्लांट को। और इन्फेक्ट करने के बाद क्या करता है इसमें, ये कॉज ये जो फंगल्स है जो जिब्रेला फ्यूजी कोई है ना, फ्यूजी कोरई जो है, ये फंगल्स क्या करता है, ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, जो मेटाबॉलिज्म होता है जो प्रोड्यूस करता है ये बहुत सारा, मतलब यहाँ पे क्या करता है, ये बहुत सरप्लस अमाउंट में जिबरेलिक एसिड का प्रोड्यूस होने लग जाता है प्लांट में। अब जब ये प्लांट में बहुत ज्यादा अमाउंट में जिबरेलिक एसिड प्रोड्यूस होने लग जाएगा, मतलब ओवर ग्रोथ होने लग जाएगी हार्मोन्स की, मतलब हार्मोन्स बहुत ज्यादा ग्रो होने लग जाएगा, तो ये इसमें क्या होता है हाइपोट्रॉफी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कि मतलब बहुत ज्यादा ओवर ग्रोथ आपको प्लांट की इजीली देखने के लिए मिल जाएगी। तो अब क्या होता है कि इसमें जो जिब्रेलिक एसिड है ना, इसको हम जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड भी बोलते हैं, जिब्रेलिन को जिब्रेलिक एसिड भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इस कंपाउंड में विटामिन ई और हेल्मिंटोस्पोरल जो है जिब्रेलिन में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो जिब्रेलिन है इसमें क्या होता है कि जो ये क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है, ग्रोथ प्रमोट करता है। और इसमें जो स्पीड है इलॉन्गेशन की और ड्राफ्ट वैरायटी की नॉर्मल साइज से ज्यादा हो जाती है फिर। और ये ना फ्लावरिंग वगैरह हो गया, स्टेम्स हो गया, रूट हो गया, इनकी क्या करता है, इनकी इलॉन्गेशन को ही ना एक प्रमोट करता है, इनकी इलॉन्गेशन को ग्रोथ करता है। किस चीज का फ्रूट वगैरह है, फ्रूट का ग्रोथ करता है, इलॉन्गेशन होता है यहाँ पे आईए का, जैसे आईए का ना ये रिजेम्बल करता है इनको, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सिन और जिब्रेलिन ये कैसे करते हैं, ये एक्ट करते हैं किस तरीके से, ये एक तरीके से सिनर्जेटिकली एक तरीके से एक्ट करता है। और जिब्रेलिन क्या होता है, बेसिकली जिब्रेलिन ना एक्टिवेट करता है उस जीन को जो प्रीवियसली जो बंद हो रखा है, जो टर्न ऑफ हो रखा है, उसको उसको क्या करता है, उसको एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फुलिश जो सीडलिंग्स डिजीज है ना राइस की, जिस पे राइस के सीडलिंग्स इंफेक्ट होती है फंगस जिबेला फ्यूजिकोराई से, वहाँ पे ना बहुत ज्यादा मतलब रैपिडली आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा प्लांट में। और जो बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांट है ना वो टॉलर हो जाता है, ठीक है, टॉलर हो जाता है, हेल्दी जो प्लांट्स है तो बहुत ज्यादा आपको इसमें उसकी, तो जैसे कि आपको यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे, तो ये क्या है, ये राइस का प्लांट है ना, तो ये राइस का प्लांट है, तो ये फुलिश सीडलिंग डिजीज है राइस में। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसमें क्या हो रहा है कि ओवर ग्रोथ हो रही, ओवर ग्रोथ की वजह से आपको ये दिख रहा है कि इसकी ग्रोथ ज्यादा है कि नॉर्मल प्लांट है राइस का, इसमें आपको ओवर ग्रोथ देखने के लिए मिल गई है। तो यहाँ पे जिब्रेलिन की वजह से क्या होता है, क्या हो जाता है कि ये राइस के सीडलिंग में इंफेक्ट करता है जो फंगस है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, और यहाँ पे आपको ना रैपिड जो ग्रोथ है, ठीक है, रैपिड जो ग्रोथ है आपको वो देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे मच टॉलर हो जाता है प्लांट, इससे हेल्दी प्लांट, ये जो हेल्दी प्लांट है ना, हेल्दी प्लांट से आपको ये हाइट में टॉलर दिखने लग जाएगा। और इस वजह से क्या हो जाता है, इस वजह से जो जिब्रेलिन मतलब जो जिब्रेलिन है ना वो सिक्रेटेड होने लग जाता है किसे, पैथोजन से, ठीक है। अब इस तरीके से ये है। और फिर जो मैंने आपको बताया था कि जो जिब्रेलिन है उसको हम जिब्रेलिक एसिड भी बोलते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, सेल का इलॉन्गेशन। यहाँ पे दिख रहा है सेल का इलॉन्गेशन हुआ है तभी तो ये इतनी हाइट हुई है इसकी, सेल का इलॉन्गेशन हुआ है, स्टेम का, रूट का, और प्रोमोट करता है फ्लावरिंग को,
और ग्रोथ ऑफ रूट्स का। तो यहाँ पे सेल का एलोंगेशन हुआ, सेल का एलोंगेशन करता है ये, और क्या करता है इसका मेन जो जिब्रेलिन का मेन फंक्शन है सेल का एलोंगेशन करना, स्टेम्स का, रूट का, और रूट के एलोंगेशन में, और प्रमोट करता है फ्लावरिंग्स में, उसमें प्लांट में फ्लावरिंग्स वगैरह ग्रोथ और फ्रूट्स वगैरह को ना प्रमोट करता है ये, ठीक है। अब क्या होता है कि ये इंड्यूस भी करता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, मैंने आपको बताया था इंडोल 3 एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज करता है, ठीक है, इंड्यूस करता है आईए को सिंथेसाइज करने के लिए। और जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड है और ये जो जिब्रेलिक एसिड है ना, ये एक दूसरे के जैसे ये एक्ट कैसे करते हैं, ये सिनर्जेटिकली एक्ट करते हैं एक दूसरे पे, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल है इसका स्क्लेरोस्पोरा सैकेराइड, जो कि एक कॉजल एजेंट है किस चीज का, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ शुगर कैन, जो डाउनी मिल्ड्यू जो शुगर कैन है ना उसका ये एक कॉजल एजेंट है जो कि इंड्यूस करता है जिब्रेलिक एसिड की प्रोडक्शन में। तो इसमें क्या होता है जिब्रेलिक एसिड का ना प्रोडक्शन होने लग जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये ना जिब्रेलिक एसिड है इसमें क्या होता है, ये भी देखा गया है कि इसमें ना कोई डिफरेंस नहीं होता है कि जो जिब्रेलिक एसिड के जो कंटेंट से हेल्दी प्लांट में अफेक्ट हो रहा है या वायरस या मॉलिक्यूल्स जो इंपैक्ट कर रहे हैं प्लांट्स में, इनमें ये सेम एक जैसा ही दिखता है, ठीक है। जैसे डिजीज प्लांट में जिब्रेलिक अगर होता है ना तो इसमें सिम्टम्स क्या ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं कॉज बाय जो पैथोजेंस का है जिब्रेलिन के फॉर्म में आपको दिखने के लिए मिल जाता है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैसे हो जाता है, स्टंटिंग हो जाती है, जैसे कॉर्न का जो प्लांट है मैंने आपको बताया था मेज के प्लांट पे कैसे हो जाता है स्टंटिंग हो जाती है, और जो कॉर्न है ना कॉर्न में स्टंटिंग स्पायरो प्लाज्मा की वजह से भी होता है, ठीक है, जिब्रेलिन की वजह से तो होता ही है, स्पायरो प्लाज्मा की वजह से भी स्टंटिंग हमें देखने की मिलती है। जैसे टोमेटो जो टोबैको है, टोबैको में ना जो प्लांट है ना वो इन्फेक्ट होता है बहुत सारे मतलब सीवियर फॉर्म में जो आप बोल सकते हो वायरस से। और यहाँ पे क्या होता है कि जो जिब्रेलिन है ना जिब्रेलिन के उसमें भी इसी तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे एक्सिलरी बर्ड है तो वो क्या करती है, वो सप्रेस करती है जो प्रूनस ड्राफ्ट वायरस वगैरह है ना उसको, जिसको हम PDV भी बोलते हैं। तो प्रूनस ड्राफ्ट वायरस है जो चेरी में होता है तो उसमें क्या करती है ये एक्सिलरी बर्ड को ये सप्रेस कर देती है, ठीक है, और एक्सिलरी बर्ड को ये सप्रेस करती है। और जैसे लीफ कर्ल वायरस है टबैको में, इसमें भी आपको ना जिब्रेलिन का आप जब स्प्रे करते हो तो ये ओवरकम होने लग जाता है। और वैसे ही सेम ट्रीटमेंट आपको दिखेगा जहाँ पे इंक्रीज होने लग जाता है फ्रूट का प्रोडक्शन, ठीक है, फ्रूट का प्रोडक्शन इंक्रीज होने लग जाता है किसके द्वारा, जिस जब PDV इंफेक्ट होता है ना चेरीज में, तो वहाँ पे आपको फ्रूट का प्रोडक्शन आपको ज़्यादा दिखने लग जाएगा। और ऐसा कई बार देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स जो पैथोजन के इसमें देखा गया है कि जो सिम्टम्स है ना जैसे फिर से आने लग जाता है, रीअपियर होने लग जाते हैं प्लांट में, ठीक है, तब जब आप जिब्रेलिन का एप्लीकेशन को आप रोक देते हो ना तो आपको फिर से सिम्टम्स आपको दिखने लग जाते हैं। और इस तरीके से आपको डिफरेंट मतलब इसमें क्या होता है जो प्लांट में ना एक्चुअली जब रिड्यूस होता है जिब्रेलिन का कॉन्सेंट्रेशन प्लांट में तो उसमें क्या होता है जो डिजीज है प्लांट में, ठीक है, डिजीज प्लांट में जब रिड्यूस हो जाता है ना जिब्रेलिन का कॉन्सेंट्रेशन तो कैसा हो जाता है प्लांट क्या हो जाता है स्टंटनिंग ग्रोथ आपको शो करने लग जाएगा। जब जिब्रेलिन का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाता है डिजीज प्लांट में तो स्टंटनिंग ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। स्पेशली जो ग्रोथ है ना हेल्दी प्लांट्स में वो इक्वली इंक्रीज होती है आफ्टर जिब्रेलिन ट्रीटमेंट। हेल्दी प्लांट्स अगर जो मैंने आपको यहाँ पे बताया अगर ज़्यादा हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ग्रोथ, ठीक है, अगर ज़्यादा हो रही है ग्रोथ हेल्दी प्लांट के कंपेयर में तो क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा मतलब प्लांट ना हेल्दी प्लांट के कंपेयर में काफ़ी इंक्रीज दिखेगा आपको, ठीक है, और अगर कम हो रही है अगर जिब्रेलिन का कंटेंट अगर कम हो रहा है तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा वहाँ पे आपको इजी तरीके से हाइट जो है प्लांट की कम दिखेगी, ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ से। अब नेक्स्ट वन है जो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन।
तो जो साइटोकाइनिन है, तो साइटोकाइनिन में क्या होता है, ये एक ग्रोथ फैक्टर है जो नेसेसरी है किस चीज में, ग्रोथ, सेल की ग्रोथ के लिए और डिफरेंशिएशन के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये इनिबिट करता है, ब्रेक डाउन करता है किसका, प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, ये इनिबिट करता है ब्रेक डाउन होने से प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड का, और ये कॉज करता है इनिबिशन, जो सेनेसिस, जो इनिबिशन होता है ना उसमें ये कॉज करता है। और यहाँ से क्या होता है, इसमें से क्या होता है, इसमें डायरेक्ट कैपेसिटी होती है कि वो डायरेक्टली फ्लो कर पाए अमीनो एसिड को, और अमीनो एसिड को यहाँ से फ्लो होता है। और इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट है ना प्लांट में, जो टूवर्ड होता है, जो पॉइंट ऑफ हाई, जैसे कि हाई साइटोकाइनिन कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसमें आपको इजीली शो हो जाएगा कि जो साइटोकाइनिन है वो ऑफर होता है बहुत ही स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में ग्रीन प्लांट्स में और डिजीज में। ग्रीन प्लांट्स हो गया और सीड्स हो गया, और इनमें आपको ना बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में साइटोकाइनिन प्रेजेंट दिखेगा। और जो पहला फर्स्ट कंपाउंड था जो साइटोकाइनिन का, फर्स्ट कंपाउंड जो साइटोकाइनिन का था, वो एक्टिवली हमने आइडेंटिफाई किया था कहाँ से, वो काइटिनिन है ना उसमें से, काइनेटिन जो होता है, सॉरी नॉट काइटिनिन, काइनेटिन जो होता है उसमें हमने आइडेंटिफाई किया था, जो कि आइसोलेट किया गया था हियरिंग स्पर्म जो डीएनए है ना वहां से। एंड ये ऑकर नहीं होता, ये डज नॉट ऑकर नेचुरली इन प्लांट, प्लांट में ये डज नॉट नेचुरली ऑकर नहीं होता है। और बहुत सारे सेवरल साइटोकाइनिन जैसे कि जिएटिन एंड आइसो पेंटाइल एडिनोसिन आईपीए जिसे कहा जाता है, ये भी ये आइसोलेट किया जाता है प्लांट से, ठीक है। और जो सबसे पहला जो था कंपाउंड वो था काइनेटिन, काइनेटिन था सबसे पहला कंपाउंड, ठीक है, साइटोकाइनिन का जो मतलब जो सबसे पहला कंपाउंड था, फर्स्ट कंपाउंड विद साइटोकाइनिन एक्टिवली जो आइडेंटिफाई किया गया था वो ये था, और जो कि हियरिंग स्पर्म डीएनए से मिला था हमें, ये नेचुरली प्लांट में ऑकर नहीं होता है। जो साइटोकाइनिन जो कि मतलब बहुत सारे जो दूसरे साइटोकाइनिन से जो आपको प्लांट में दिखेगी, जो हमने प्लांट से आइसोलेट किया है वो जिएटिन है और आइसो पेंटाइल एडिनोसिन है। तो अब जो ये साइटोकाइनिन है ना, तो ये क्या करता है, इसका जो फंक्शन है साइटोकाइनिन का, ये नेसेसरी है किस चीज के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए और डिफरेंशिएशन के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि इनहिबिट करता है ब्रेक डाउन, मैंने आपको बताया था प्रोटीन का, अमीनो एसिटिक एसिड का, और ये इनहिबिट करता है सिनेंसिस को, और इसमें कैपेसिटी है कि ये डायरेक्ट फ्लो करता है अमीनो एसिड का और अदर न्यूट्रिएंट का टूवर्ड हाई साइटोकाइनिक कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। ये इनहिबिट करता है सिनेंसिस को और दे हैव द कैपेसिटी टू डायरेक्ट फ्लो ऑफ अमीनो एसिड्स एंड अदर न्यूट्रिएंट टूवर्ड द हाई साइटोकाइनिन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो साइटोकाइनिन है ना वो एक्ट करता है कि बाय प्रिवेंटिंग जो जीन्स है फ्रॉम जो जीन्स है ना उसको टर्न ऑफ मतलब टर्न ऑफ होने से ये प्रिवेंट करता है, और टर्न ऑफ होने से प्रिवेंट करता है और साथ ही एक्टिवेट करता है जीन्स को जो प्रीवियसली जो टर्न ऑफ हुए थे, मतलब जो बंद हो रखे थे ना उनको एक्टिवेट करने में ये हेल्प करता है। और जो रोल है साइटोकाइनिन का प्लांट्स में, ये किस तरीके से होता है, साइटोकाइनिन क्या करते हैं, एक्टिवली इंक्रीज करता है, जैसे क्लब रूट है ना वॉल, क्लब रूट में जो वॉल है उसमें इंक्रीज इंक्रीमेंट होता है इसका, साइटोकाइनिन का एक्टिविटी हमें देखी गई है। और जो क्राउन वॉल है, स्मट है, रस्ट वॉल है, रस्ट इन्फेक्टेड बीज लीव्स है, तो इस तरीके से। और बाद में हमने देखा गया कि जो साइटोकाइनिन है ना वो एक्टिवली रिलेटेड है बोथ, मतलब कहाँ पे, जुवेनाइल फीचर्स है ना जैसे ग्रीन आइलैंड का है वो इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है, जो ग्रीन आइलैंड है वो ऑकर करता है, जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ ग्रीन आइलैंड जो है, तो जो ग्रीन आइलैंड है ना तो स्पीसीज मतलब इससे क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है ना वो मतलब कैसा होता है, सेंटर की साइड में होता है अराउंड द इन्फेक्शन सेंटर की साइड में, और जो सेनेंसिस है वो आउटसाइड द ग्रीन आइलैंड, जो ग्रीन आइलैंड है ना उसके आसपास होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो साइटोकैनिन है ना वो
एक्टिविटी इसकी लोअर होती है, ठीक है, साइटोकाइनिन की जो एक्टिविटी है वो लोअर होती है सेक्स वगैरह में, और जब ये लोअर होती है तो यहाँ पर टिश्यू कैसा होता है, वो एक्सट्रैक्ट करता है कॉटन, टिश्यू एक्सट्रैक्ट करता है कॉटन, जैसे प्लांट्स है ना वो इन्फेक्टेड होता है वर्टिसिलियम विल्ट से, और जो प्लांट का जो सरफेस है तो प्लांट का सरफेस कैसा होगा, रॉट वगैरह आपको इजीली वहाँ पे दिखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, साइटोकाइनिन जो रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारा, जो सेवरल बैक्टीरियल जो बॉल है ना प्लांट में, जैसे कि लीव बॉल, डिजीजेस ऑफ स्वीट पी कॉज बाय बैक्टीरियम, ठीक है, क्रॉनी बैक्टीरियम से होता है, और जो विचेस ब्रूम आपको मैंने बताया था, विचेस ब्रूम में जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि विचेस ब्रूम में क्या होता है कि हाइपरप्लेशिया होता है, मतलब जो सेल है तो काफ़ी रिप्रोडक्शन उनका सेल का ज़्यादा होता है, ओवर ग्रोथ होती है, और वो कॉज किससे होता है, विचेस ब्रूम जो है ना कॉज बाय फंजाई और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना उनसे। और यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट है ना, प्लांट को ट्रीटिंग किससे किया जाता है, काइनेटिन से, ठीक है, बिफोर और शॉर्टली आफ्टर द इनोक्युलेशन के बाद, जैसे वायरस वगैरह सीम्स टू रिड्यूस करता है यहाँ पे नंबर ऑफ इन्फेक्शन को, और जो लोकल लीजन है जो होस्ट का वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रिड्यूस होने लग जाता है जो वायरस वगैरह है, तो वहाँ पे जो वायरस वगैरह है तो आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, लोकल लीजन रिड्यूस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन वगैरह सिस्टमेटिकली, और इन्फेक्ट करता है ये होस्ट को। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि जो साइटोकाइनिन है ना वो एक्टिवली इंक्रीज होता है, जो क्लब रूट है ना, क्लब रूट किसका, क्लब रूट ऑफ जो क्रूसिफेरस क्रॉप है, इसमें जिसको हम बोलते हैं क्लब रूट में प्लास्मोडियम पारा जो है कॉज करता है, तो जो प्लास्मोडियम पारा जो कॉज करता है, और जो क्राउन वॉल है एग्रोबैक्टेरियम, जो प्लास्मोडियम पारा है, ठीक है, क्लब रूट ऑफ ब्रैसिकी कॉज बाय प्लाज्मोडियम पारा ब्रैसिकी, और जो क्राउन बॉल है, क्राउन बॉल जो उसमें एप्पल में आपको क्राउन बॉल दिखेगा, जो कि एग्रोबैक्टेरियम के भी पेशेंट्स है, और रस्ट वगैरह जो इन्फेक्ट करता है इन्फेक्टेड बीज वगैरह, बीग्स वगैरह को, है ना, मैं आपको साइटोकाइनिन किस तरीके से दिखेगा, एक्टिवली इंक्रीजेस दिखेगा। तो इसमें ये आपको डिजीजेस ऑकर होते हुए, जैसे एग्जांपल ग्रीन आइलैंड मैंने आपको बताया था, ये फॉर्म होता है अराउंड इन्फेक्शियस जो बीन्स है ना, फेजुलस वल्गैरिस, और जो लीव्स है इन्फेक्टेड बाय न्यूरोमाइसिस फेजुलाई। तो इसमें क्या होता है, तो जो ये जो ग्रीन आइलैंड मैंने आपको डिजीज बताया था, जिसमें क्या होता है कि जो इसमें जो इन्फेक्शन है सेंटर्स में, ठीक है, और सिलेंसेस वगैरह आपको दिखने में मिलेंगे, जो लीव्स है ना, लीव्स के आउटसाइड जो ग्रीन लाइन जो लीव्स है ना, लीव्स में ऐसे जो ग्रीन एरिया होता है, तो उसके आउटसाइड में आपको सिलेंसेस वगैरह दिखने के लिए मिल जाएंगे, और इन्फेक्शन सेंटर में ऑकर होगा, और ये फेमस है फेजुलस वल्गैरिस, जो कि बीन्स का, बीन्स में ऑकर जो बीन्स है उसमें आपको दिखेगा, और लीव्स जो इन्फेक्टेड बाई किससे होती है, बीन्स के लिए न्यूरोमाइसिस फेजुलाइज, बीन का नाम है ये, ठीक है, साइंटिफिक नेम है फेजुलस वल्गैरिस बीन्स का, और जो लीफ है, लीफ जो इन्फेक्टेड होती है वो न्यूरोमाइसिस फेजुलाइज से होती है, ठीक है, इन्फेक्टेड जो लीव्स होती है, ये है पैथोजन, और फेजुलस वल्गैरिस जो है वो है साइंटिफिक नेम ऑफ बी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें देखने के लिए मिलता है, और तो जो ये फेजुलस वल्गैरिस है, तो फेजुलस वल्गैरिस जैसे ग्रीन आइलैंड है जो यहाँ पे बीन्स, जो ये फेजुलस वल्गैरिस है ना, ये क्या है कि जो बीन है ना, बीन का साइंटिफिक नेम है फेजुलस वल्गैरिस, ठीक है, फेजुलस वल्गैरिस बीन का साइंटिफिक नेम है, और ये इम्पैक्ट होता है लीव्स को, जो लीव इन्फेक्टेड बाई न्यूरोमाइसिस फेजुलाई, इससे जो लीव्स है वो इन्फेक्ट होती है, और ये है पैथोजन न्यूरोमाइसिस फेजुलाई, ये पैथोजन है, और ये साइंटिफिक नेम है फेजुलस वल्गैरिस बीन का।
तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रीन आइलैंड है ना, मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीन आइलैंड है उसके अराउंड में क्या होता है, इन्फेक्शन होने लग जाता है. उसका जो सेंटर है ना, वहाँ पे इन्फेक्शन ऑफर होने लग जाता है. और क्या होता है, इन्फेक्शन तो होता ही है, साथ में क्या होता है, सेनेसिस होने लग जाता है. जो आउटसाइड जो ग्रीन आइलैंड का जो एरिया है ना, मतलब जो लीव्स में ऐसे ग्रीन एरिया होता है, उसके जो बाहर का जो वो होता है, सेंटर में तो आपको इन्फेक्शन ऑफर होते हुए दिख रहे, लेकिन जो आउटसाइड का एरिया है वहाँ पे सेनेसिस देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, तो इस प्रकार से साइटोकाइनिन का इंक्रीमेंट आपको साइटोकाइनिन वो दिखेगा. जैसे साइटोकाइनिन एक्टिवली कहाँ पे होता है, इंक्रीज होता है, जैसे क्लब रूट है, प्लाज्मोडिफारा, ब्रैसिकी है ना, ब्रैसिकी जो क्रूसिफेरी क्रॉप्स है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे स्वेलन हो जाता है रूट का, जो कि प्राइमरी सिम्टम है. ठीक है, क्लब रूट है ना, जो जहाँ पे स्वेलन हो जाएगा रूट का, वो प्राइमरी सिम्टम है. और एक क्राउन गॉल है, क्राउन गॉल यानी एग्रोबैक्टीरियल टूबी पेशेंट्स ऑफर हो रहा है. ठीक है, और रस वगैरह इन्फेक्ट करता है लीव्स, बीन के लीव्स को. और इस तरीके से साइटोकाइनिन मैंने आपको बताया. और अब आपको ये जो पैथोजन है ना, ये वाले जो पैथोजन्स, ये आपको मैंने पैथोजन्स बताए, आपको ये पैथोजन्स देखने हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैथोजन्स है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडोल्थ्री एसिटिक एसिड स्किन पैथोजन्स, मतलब ये जो कौन से पैथोजन्स है जो इन्हें इफेक्ट करते हैं, अगर इनका लेवल इंक्रीज होता है तो, है ना, इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को, तो वो है फाइटोप्थोरा, स्टिलागो, प्लाज्मोडिफारा ब्रैसिकी, स्क्लेरोस्पोरा, ग्रैमिनिकोला, एग्रोबैक्टीरियम पेशेंट्स, मैलेटोगाइनी जो रूट का टिनाटोड है. तो ये सारे, ये जितने भी हैं, तो ये सब क्या करती है, पैथोजन कॉज करता है. और इम्पॉर्टेंट थिंग, जो हाइपरट्रॉफी और एट्रॉफी है, इसमें आपको डिफ्रेंशिएशन गैप रखना होगा कि हाइपरट्रॉफी का मतलब एट्रॉफी, हाइपरप्लेशिया, हाइपोप्लेशिया, जिनका मैंने डिफ्रेंशिएशन आपको बताया था कि इनमें इनके आपको डिफ्रेंशिएशन याद रखने. और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ ये बात है कि जो हाइपरट्रॉफी, बहुत बच्चे इस चीज़ को कन्फ्यूज होते हैं कि हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया, दोनों में वर्ड तो हाइपर ही आ रहा है, एक में ट्रॉफी आ रहा है, एक में प्लेशिया आ रहा है, तो इन दोनों में जो डिफ्रेंशिएशन है, बहुत ही कम अंतर का डिफ्रेंशिएशन है. हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, जो सेल की जो साइज है ना, वो इंक्रीज होती है. ठीक है, दोनों में ही ओवर ग्रोथ हो रहा है, हाइपरट्रॉफी में भी और हाइपरप्लेशिया में भी ओवर ग्रोथ हो रहा है, लेकिन एक में क्या होता है, सेल की साइज इंक्रीज होती है. और वहीं दूसरे में क्या होता है, जो हाइपरप्लेशिया है वहाँ पे क्या होता है, सेल का रिप्रोडक्शन ज्यादा होता है. ठीक है, सेल का एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, इस तरीके से दोनों में ही ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, ओवर ग्रोथ हो रहा है टिश्यू का भी, और मतलब जो टिश्यू है ना, टिश्यू का या ऑर्गन का ओवर ग्रोथ हो रहा है दोनों में ही. लेकिन एक में सेल का साइज इंक्रीज होता है, उसको हाइपरट्रॉफी होता है, और एक में सेल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, उसको हाइपरप्लेशिया बोलते हैं. और यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज होता है, किसमें, एट्रॉफी में क्या होता है, सेल के जो साइज है ना, उसका डिक्रीज होता है, तो उसको हम एट्रॉफी बोलते हैं. ठीक है, डिक्रीज इन सेल साइज. और हाइपोप्लेशिया में क्या होता है, सेल मतलब जो नॉर्मल सेल, यहाँ पे सेल के साइज में डिक्रीज हो रहा है, इसको एट्रॉफी बोलते हैं. और हाइपोप्लेशिया में, हाइपोप्लेशिया में क्या होता है कि सेल्स के नंबर में डिक्रीजेस होता है. ठीक है, अब ग्रोथ रेगुलेटर में मैंने आपको दो टाइप बताए थे, ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस और ग्रोथ इनिबिटिंग सब्सटेंस. तो आज हमने ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस देखा, अब हम नेक्स्ट क्लास में जो ग्रोथ इनिबिटिंग सब्सटेंस है उसके बारे में हम देखेंगे. तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच.